कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है हम कहीं जाए हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुरा सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। राधे राधे। जीवन के इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम कहीं रुक जाते हैं, हमें नहीं पता क्यों। हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ पाएं, किंतु ऐसा होता नहीं। क्या कारण है इसका? चलिए मैं आपको समझाता। सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपका पांव मुड़ जाता है, आपके पांव में आती है मोच। अब यदि ये मोच आपको मार्ग तय करने से रोकती है, तब आप रुक जाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। टूटी हुई कलम से आप कभी पत्र नहीं लिख सकते। उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप अपना स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस आपको कभी धनी बनने नहीं देगा, और धन का लालच वो आपको कभी महान नहीं बनने देगा। छोटी सी बात है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण। सोच विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें जिससे आप किसी अनर्थकारी मार्ग पर जाते जाते रुक जाए, या आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें जो आपको महानता के पथ पर अग्रसर करते हैं। राधे राधे। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दो तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पर हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं, फिर ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए, यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या?
यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है मन में कभी अहंकार ना पाने। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को आप जो भी नाम दें, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है। किंतु क्या ये बात शत प्रतिशत सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं ना। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं, और प्रेम से कहिए राधे राधे। समय कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल सवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है राधे राधे। मृत्यु का क्या है, ये तो अवश्यंभावी है, किंतु हर एक व्यक्ति का धर्म है अंतिम श्वास, अंतिम क्षण डटकर संकट का सामना करना, साहस के साथ सामना करना।